रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हो आर यू? आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात शशम की इस्लामियत पढ़ेंगे, ठीक है। इसका बाब दोम आज हम स्टार्ट करते हैं। बाब दोम है ईमानियात और इबादत। ईमानियात ईमान की जमा, इबादत अबाद की जमा। यानी कि ईमान से मराद किसी चीज़ पर सच्चे दिल से ईमान लाना, उस पर यकीन कायम रखना और उसका ज़बान से इकरार करना और उस पर अमल करना, ये किस में शामिल है? ईमान में शामिल है। और इबादत यानी कि हर वो काम जो सुन्नत नबी और खुलूस नीयत से हम करें वो इबादत में शामिल है, ठीक है। इसका फर्स्ट चैप्टर जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला पर ईमान। यानी कि अल्लाह ताला पर ईमान का मतलब है अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक ना करना, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, ठीक है। हमारे ईमान की बुनियाद कीदा तौहीद पर है, ठीक है। अब हम इसकी मशक देखते हैं। मशक का सवाल नंबर एक देखते हैं। मशक का सवाल नंबर एक देखें। दज्जाज सवाल के जवाब तहरीर करें। अलीफ, ईमान से क्या मराद है? अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब है, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं। ईमान से क्या मराद है, अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब है, इसका जो जवाब है वो सफ़ा नंबर सात पे है। सफ़ा नंबर सात पे आ जाएं। यहाँ से स्टार्ट होता है ईमान का मफहूम। ईमान से मराद है मान लेना, दिल से तस्लीम कर लेना, यानी हक को हकीकत जानकर इस पर यकीन कायम कर लेना। हर मुसलमान का ईमान है अल्लाह ताला एक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसका कोई शरीक नहीं। यानी कि इस बात पर पुख्ता यकीन रखना कि अल्लाह ताला की ज़ात यकता है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, उसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं। वो कायनात यानी आसमान, ज़मीन, चांद, सूरज और तारे और सियारे वगैरह को पैदा करने वाला है। यानी कि कायनात में मौजूद हर चीज़ को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और कायनात में मौजूद हर शय यानी कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। वही सबको रिजक देने वाला, वही सबको पालने वाला। रिजक यानी कि देखो, अगर एक ज़मीन के अंदर एक कीड़ा जो है उसको भी रिजक देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ही है। तो कायनात की कोई शय उससे पोशीदा नहीं, यानी कि कायनात की कोई चीज़ भी उससे पोशीदा यानी कि छुपी हुई नहीं। उसी के पास जिंदगी और मौत का इख्तियार है। यानी देखो बच्चों, अब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी ज़िंदगी का इख्तियार भी अल्लाह ताला के पास है। अगर कोई वफात पाता है तो इस चीज़ का इख्तियार भी अल्लाह ताला के ही पास है। वो हर ऐब यानी कि हर बुराई से पाक है, हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। कुदरत होता है ताकत रखता है, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। कायनात की हर शय उसके हुक्म की पाबंद है, यानी कि उसके हुक्म की महकूम है। यानी कि कायनात में जो इंतजाम चल रहा है वो सारा अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब है। अल्लाह ताला पर ईमान का मतलब, अल्लाह ताला ईमान में ये भी शामिल है अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखा जाए। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात में पुख्ता यकीन रखा जाए, सिर्फ उसी को बात के लायक समझा जाए। यानी कि हमारी तमाम इबादत और तमाम इमाल तब तक काबिल कबूल है जब तक तौहीद पर पुख्ता ईमान है। अगर एक दाने के बराबर भी हमारे ईमान में फ़र्क आ जाता है तो हमारे तमाम नेक इमाल के ज़ाया होने का ख़तरा है, ठीक है। उसकी ज़ात और सफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराया जाए। ज़ात वो होता है यानी कि सूरतुल खलास में कुरान मजीद की वो सूरत है जिसमें अकीदा तौहीद की वजाहत कर दी गई है। यानी कि कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। और सफात यानी कि सफात अल्लाह ताला सिफात कामला का मालिक है, जो किसी फर्द में मौजूद नहीं। वो अपने इल्म, अपनी कुदरत और अपनी हर सिफत में यकता है, ठीक है, में कोई शरीक ना ठहराया जाए। अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों की हदायत होता है, रहनुमाई के लिए भेजी गई आसमानी किताबों और तमाम नबियों और रसूलों को सच्चा तस्लीम किया जाए, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए, ठीक है, आसमानी किताबें भेजी, नबियों और रसूलों को मबूस फरमाया यानी कि दुनिया में भेजा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए आखिरी रसूल और आखिरी नबी तस्लीम किया जाए। यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए आखिरी नबी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या कोई रसूल नहीं आएगा, और कुरान करीम को अल्लाह ताला की भेजी गई आखिरी किताब तस्लीम किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो जवाब है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम सवाल नंबर दो देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर दो है, तौहीद के लुगवी मैंने क्या है। इसका जो जवाब है वो सफ़ा नंबर आठ पे है, ठीक है। इसका जो जवाब है वो सफ़ा नंबर आठ पे है। तौहीद के मैंने अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन करना, यानी अल्लाह ताला को वहद, यकता और एक मानना और एक जानना, और अल्लाह ताला की ज़ात और सफ़ात में किसी गैर को शरीक ना करना। दूसरे सवाल का जवाब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। यानी कि तौहीद के मैंने यही है कि अल्लाह ताला एक है, वो वहद है, वो यकता है, उसकी ज़ात और सफ़ात में कोई शरीक नहीं, ठीक है। सवाल नंबर तीन देखते हैं, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। इसका जो जवाब है वो सफ़ा नंबर आठ पे है। सफ़ा नंबर आठ पे आ जाए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अकीदा होता है दिल में जमाया हुआ यकीन। अकीदा तौहीद जो है ईमान की बुनियाद है, यानी कि हमारे ईमान की बुनियाद ही ये है कि हम अकीदा तौहीद पर पुख्ता यकीन रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात यकता है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। इस्लाम में इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है, यानी कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो अकीदा तौहीद पर है। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम
यही तलीम लेकर दुनिया में आए, यानी कि तमाम नबी जो तलीम लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, जिन लोगों ने सबसे पहले जिस बात की सबसे पहले तबलीग की, जिन्होंने सबसे पहले जिस अकीदे की तबलीग की, वो अकीदा तौहीद था। यानी कि तौहीद के बारे में इरशादात बारी ताला है, वा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, यानी कि तुम्हारा मेबूद खुदा वाहद है, यानी कि हमारा जो खुदा वो वाहद है, यानी कि यकता है। लेसा कमिस्ले ही शयून, तर्जमा उस जैसी कोई चीज़ नहीं, यानी कि उससे अल्लाह जैसी कोई चीज़ नहीं, उसकी कोई मिसल नहीं। तीसरे सवाल का जवाब जो होता है हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं, अकीदा तहीद की वजह से इंसान में कौन कौन सी सफ़ात पैदा होती हैं। इसका जो जवाब है वो सफ़ा नंबर 9 पे है, ठीक है। अकीदा तौहीद की वजह से, यानी कि अकीदा तौहीद की वजह से मुसलमान के अंदर जुरात होता है, बहादुरी, सब्र, तवक्कुल होता है, भरोसा और यकीन जैसी सफ़ात पैदा होती हैं। यानी कि अगर अकीदा तौहीद पर हमारा पुख्ता ईमान है, पुख्ता यकीन है, तो हमारे अंदर जुरात पैदा होती है, बहादुरी पैदा होती है, सब्र जैसी सफ़ात पैदा होती हैं। अकीदा तौहीद के मानने वालों में इतिहाद होता है, दोस्ती, मोहब्बत, मसावात होता है, बराबरी, और क़ुव्वत होता है, भाईचारा जैसी खूबियाँ भी पैदा होती हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2, दूसरे जवाब मुंतखिब करके जुमले मुकम्मल करें। ईमान का मतलब है यकीन कर लेना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के डैश रसूल और नबी हैं, आखिरी अल्लाह ताला के अहकामात पर पुख्ता डैश का नाम ईमान है, यकीन। जिंदगी और मौत का डैश अल्लाह ताला के पास है, इख्तियार। तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना और एक डैश है जानना, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पुर करें। हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ताला डैश है, एक है। अल्लाह ताला हर डैश से पाक है, हर ऐब से पाक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के डैश रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला के डैश की पाबंद है, हुक्म। तौहीद पर यकीन डैश की बुनियाद है, ईमान। अल्लाह ताला की ज़ात डैश है, यकता है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला से डैश मांगनी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। तौहीद से मराद अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को डैश ना करना, शरीक ना करना। अल्लाह ताला की ज़ात सारी दुनिया का डैश चला रही है, निज़ाम चला रही है। हमारी ज़िंदगी और डैश अल्लाह ताला के हाथ में है, हम मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। सवाल नंबर 4 देखें, कालम अलिफ को कालम बे से इस तरह मिलाएं कि जुमलों का मफहूम वाज़ेह हो जाए। कालम अलिफ कालम बे, हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ताला एक है, हमारी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला पर ईमान का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को एक जानना और एक मानना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। कायनात की हर शय अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। तौहीद का मतलब कोई उसका शरीक नहीं। अकीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। अल्लाह ताला की ज़ात यकता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकामात और हदायत लेकर आए हैं, इन पर पुख्ता यकीन रखने का नाम ईमान है। थैंक्स।